केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आज वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने किसानों की फसलों को लूटा और किसानों की जमीनों को लूटा है। सारा देश जानता है कि वो कांग्रेस के लोग हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य केवल देश की सेवा करना है और पूरी टीम इसी काम में जुटी है। उन्होंने हरियाणा मंत्रिमंडल में विस्तार के सवाल पर पूछा, आप कहा भी है कि ये मुख्यमंत्री के क्षेत्राधिकार का है। देखिए, ये सारे जितने भी दायित्व मिलते हैं जो लोगों की सेवा करने के लिए, पर मोदी सरकार का तो लक्ष्य ही देश के लिए काम करना है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरी टीम देश के लिए काम करती है, किसी व्यक्तियों को और देश में सब हर व्यक्ति आता है, तो इसलिए हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को शक्तिशाली बनाने के लिए सब काम करते हैं। वहीं कृष्णपाल गुर्जर चंदावली गांव स्थित विधायक नयनपाल रावत के कार्यालय पर पहुंचे थे। यहां पहुंचने पर हरियाणा भंडारण निगम के चेयरमैन और पतला विधायक नयनपाल रावत ने केंद्र में कृष्णपाल गुर्जर को नई जिम्मेदारी मिलने पर स्वागत किया। खुशी की बात है, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर अपनी मेहनत लगन कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए आज इतना बड़ा विश्वास जो इन्होंने माननीय मोदी जी और सरकार में बनाया है, मैं जितना भी केंद्रीय नेतृत्व है उसका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ पिटला विधानसभा की तरफ से, कि एक ऐसे जुझारू व्यक्ति को, ऐसे कर्मशील व्यक्ति को जो प्रमोशन माननीय मोदी जी की सरकार में मिली है, उसके लिए मेरा पिटला क्षेत्र, मेरा परिवार सदैव माननीय मोदी जी की सरकार का ऋणी रहेगा। जहाँ तक खुशी की बात है, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर अपनी मेहनत लगन कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए आज इतना बड़ा विश्वास जो इन्होंने माननीय मोदी जी और सरकार में बनाया है, मैं जितना भी केंद्रीय नेतृत्व है उसका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ पिटला विधानसभा की तरफ से, कि एक ऐसे जुझारू व्यक्ति को, ऐसे कर्मशील व्यक्ति को जो प्रमोशन माननीय मोदी जी की सरकार में मिली है, उसके लिए मेरा पिटला क्षेत्र, मेरा परिवार सदैव माननीय मोदी जी की सरकार का ऋणी रहेगा।